क्वेश्चन नंबर सेवन आ गया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है कि सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन एन एपी, सम ऑफ द थ्री नंबर्स, तो थ्री नंबर्स हम क्या लाइट करेंगे, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी लाइट करेंगे। ये थ्री नंबर्स लाइट करेंगे हम एपी में, जिसका ये क्या है कि जो सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन एपी इज 15। तो इनका सम कितना है हमारे पास, इनका सम दे रखा है हमें 15, तो इनका सम लिख लेंगे हम इक्वल्स टू 15। तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये 3a इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, और a से कैंसिल करेंगे तो 3 5 15, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 15, a की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो a की वैल्यू ये हमारे पास 5 हो गई। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स, इसके जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं इनके स्क्वायर्स का सम 58 है, इनके स्क्वायर्स का सम कितना है 58 है, तो इनके स्क्वायर्स का सम 58 है, तो ये करना है हमें, तो करेंगे हम इसमें। तो a माइनस डी का स्क्वायर तो कितना जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये प्लस 2ad, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 58। अब यहाँ पर 2ad और माइनस 2ad कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, डी स्क्वायर डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 58। ये हो गया हमारे पास, इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हो आप, 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 58। तो 2 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 4 2 2 4 2 2 4 2 9 18, ये हो जाएगा 29। अब a की वैल्यू हमारे पास है 5, a की वैल्यू अगर हम 5 पुट कर लेते हैं तो d की वैल्यू कितनी मिलती है देखते हैं। तो d की वैल्यू मिल रही है हमारे पास 29 माइनस 25, तो d की वैल्यू कितनी मिल रही है हमारे पास 4 मिल रही है, और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा प्लस माइनस 2। तो वैन a इज इक्वल्स टू, वैन a इक्वल्स टू कितना 5, वैन a इक्वल्स टू 5 एंड d इक्वल्स टू प्लस 2 एंड d इक्वल्स टू प्लस 2, तब हमारे पास टर्म्स क्या होंगे, तब हमारे पास टर्म्स होंगे a माइनस d, a और a प्लस d। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 2, a की वैल्यू कितनी 5 और a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 2, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये 3, ये 5 और ये 7, 3 5 7 हो जाएगा हमारे पास। और फिर क्या हो जाएगा अगर हम क्या लेते हैं, व्हेन, और हम क्या लेते हैं अगर व्हेन a इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं, व्हेन a इक्वल्स टू क्या लेते हैं हम 5 एंड d इक्वल्स टू क्या लेते हैं, एंड d इक्वल्स टू लेते हैं माइनस 2, तब हमारे पास टर्म्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे a माइनस d, a एंड a प्लस d, तो ये कितना हो जाएगा, a कितना 5 माइनस d की वैल्यू कितनी माइनस 2, फिर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और a की वैल्यू 5 प्लस और ये माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 3 5 प्लस 2 और ये 5 और ये 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 7 5 एंड 3, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कह रहा है कि फाइंड द 4 नंबर्स इन ए पी हूज सम इज 20, उनका सम 20 है, 4 नंबर्स आपको ए पी में फाइंड करने, तो 4 नंबर्स कैसे सेलेक्ट करते हैं हम, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए माइनस 3d, ए माइनस 3d, इसमें गैप लेते हैं हम 2 का और ए प्लस 3d, ये 4 नंबर्स हैं, इनका सम कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स इन एपी हूज सम इज 20, इनका सम हमारे पास कितना है 20 है, तो इनका सम करेंगे हम, तो यहाँ पर अगर हम इनका सम करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, इनका सम आता है 20, तो ये 3d से 3d, डी से डी, ए ए ए और ए, ये हो जाएगा 4a इक्वल्स टू 20, 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 5 20, तो ये हो जाएगी हमारे पास a की वैल्यू। अब हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे, d की वैल्यू के लिए कह रहा है कि एंड द सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम, अगर आप इनके स्क्वायर्स करते हो और इनका सम कर देते हो, इनके स्क्वायर्स का सम हमारे पास दे रखा है कितना, इनके स्क्वायर्स का सम दे रखा है 120, तो इनके स्क्वायर्स करते हैं और उसका सम कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर्स का सम कितना 120, तो स्क्वायर्स का सम 120 हो गया है। तो अब यहाँ पर हम इसके ए होल स्क्वायर सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस
थ्री डी का स्क्वायर होगा नाइन डी स्क्वायर माइनस टू ए बी करोगे तो टू थ्री जा सिक्स ए डी आएगा, प्लस इसका करोगे तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और माइनस टू ए डी आएगा, प्लस इसका करोगे तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस टू ए डी आएगा, फिर इसका करोगे तो ए स्क्वायर प्लस नाइन डी स्क्वायर प्लस थ्री टू जा सिक्स ए डी और यहाँ पर कितना आएगा 120, सिक्स ए डी और सिक्स ए डी कैंसिल, ए टू ए डी और ए टू ए डी कैंसिल, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास फोर ए स्क्वायर। नाइन डी स्क्वायर और डी स्क्वायर टेन डी स्क्वायर, नाइन डी स्क्वायर और डी स्क्वायर टेन डी स्क्वायर, टेन डी स्क्वायर और टेन डी स्क्वायर हो जाएगा ट्वेंटी डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास ये 120। अब आप इसमें से 4 भी कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन लोगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस टू फाइव सा 4 फाइव सा 20 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 120, 4 से 120 कैंसिल होगा तो कितना होगा ए स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 थ्री सा 12 और ये 0, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यूजिंग ए इक्वल्स टू, यूजिंग ए इक्वल्स टू 5, तो ए इक्वल्स टू 5 यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, तो ए की प्लेस पर हमने 5 यूज़ किया है, तो ये 5 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 30 हो जाएगा, ये 5 डी स्क्वायर और ये 25 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये 5 डी स्क्वायर इक्वल्स टू बचेगा हमारे पास कितना 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा d और d की वैल्यू स्क्वायर रूट 1 इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस 1, तो ये हो जाएगी वैल्यू। तो अब इसमें हम टर्म्स निकालेंगे, तो व्हेन व्हेन a इक्वल्स टू 5 एंड d इक्वल्स टू 1, व्हेन a इक्वल्स टू 5 d इक्वल्स टू 1 देन टर्म्स क्या होंगे हमारे पास, टर्म्स होंगे a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी और a माइनस ए प्लस थ्री डी, ए की वैल्यू 5 माइनस 3 डी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 5 माइनस डी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 5 प्लस डी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 5 प्लस डी की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2, ये हो जाएगा 2, 5 माइनस 1 4, 5 प्लस 1 6 और 5 प्लस 3 8, ये हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर एक्स ए की वैल्यू 5 है, अगर ए की वैल्यू 5 है एंड डी की वैल्यू माइनस 1 है, तब हमारे पास क्या बनेगा, तो ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3d, तो ए की वैल्यू कितनी 5 माइनस 3 डी की वैल्यू माइनस 1, ए की वैल्यू 5 माइनस डी की वैल्यू माइनस 1, ए की वैल्यू 5 प्लस डी की वैल्यू माइनस 1, ए की वैल्यू 5 प्लस डी की वैल्यू माइनस 1, तो ये जाएगा 5 प्लस 3 हो जाएगा 5 प्लस 1 हो जाएगा 5 माइनस 1 हो जाएगा 5 माइनस 3, तो ये जाएगा 8 6 4 एंड 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इंसर्ट वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 13, 3 एंड 13 के बिटवीन एक अर्थमेटिक मीन, मींस आपको एक ऐसा नंबर बताना है इसके बीच में कि अगर हम इसको इसके बीच में पुट कर दें तो ये ए पी बन जाए, तो ये ए पी बन जाए, तो इसके लिए देखो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया है क्या कि आपको क्या करना है कि दोनों टर्म्स को प्लस कर देना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो यहाँ पर 3 प्लस 13 कर देना है और 2 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8। तो अगर आप इसके बीच में 8 रख देते हो तो देखो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 5 और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस भी 5, तो ये ए पी बन गई है, तो बस ये हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन, तो ये करना है क्वेश्चन नंबर 9 में आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ये कि द एंगल्स ऑफ ए पोलीगन आर इन द ए पी, एक पोलीगन है जिसके एंगल्स किस में है हमारे ए पी के टर्म्स में, अब हमें नहीं पता वो कितने साइड्स का पोलीगन है,
ए बी विद कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस इसने बताया गया है कि हर एक एंगल्स के बीच में 5 का डिफरेंस है इफ द स्मॉलर एंगल्स, अगर सबसे स्मॉलर एंगल 120 है और फिर 5 का डिफरेंस है सब में, इसका मींस ए की वैल्यू आप यहां पर ले सकते हो 120 और क्या ले सकते हो डी की वैल्यू ले सकते हो 5। तो ये ए पी की टर्म्स हो जाएंगी, ये ए हो गया, ए पी का डी हो गया। अब ये कह रहा है कि इफ द स्मॉलर एंगल्स इज 120 फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, कि इसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं कि लेट इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ एंगल हमारे एक एन को सिंबल से शो करते हैं, तो लेट कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ साइड भी एन, लेट नंबर ऑफ साइड्स भी एन, तो नंबर ऑफ साइड्स भी एन कर लेते हैं। अगर हम अगर n लेट कर लेते हैं साइड्स को तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो साइड्स n लेट कर लेते हैं। तो अब अगर हम इन सभी का सम निकालें, अगर हमारे पास AP है और इसके n एंगल्स हैं, इसके n एंगल्स हैं, ठीक है, तो हम इनका सम निकालें अगर हम, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, SN का फॉर्मूला बनेगा क्या, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बनेगा इसका, n अपॉन 2a n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा हमारा फॉर्मूला एस एन का, कि इसके जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम ये होगा। लेकिन देखो पॉलीगंस के अकॉर्डिंग एक और फॉर्मूला होता है सम फाइंड करने का, तो सम फाइंड करने का एक और फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास, देखो पॉलीगन का सम फाइंड करने का, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल फाइंड करने का हमारे पास एक और एंगल, एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल फाइंड करने का एक और फॉर्मूला होता है क्या, 2n-4 इंटू 90। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी पॉलीगंस के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड कर सकते हो, जहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ एंगल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके इक्वलेंट रख लेते हैं इसको, क्योंकि ये भी एंगल्स का सम है, ये भी एंगल्स का सम है पॉलीगंस के, और ये भी एंगल्स का सम है, तो यहाँ पर हमने इसको इक्वल रखा है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स के फॉर्मूले को सम ऑफ, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दोनों ही सम के फॉर्मूले, इन दोनों को इक्वल किया है हमने, अब हम यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे n के लिए, तो यहाँ पर 2 इधर आ जाएगा, तो ये 2n-4 इंटू 180 हो जाएगा इक्वल्स टू n। a के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, a के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं 120 प्लस n के प्लेस पर n हमें फाइंड करना है, d के प्लेस पर हम कुछ पुट कर सकते हैं 5, 182 जा कितने हो जाएंगे 360, एन माइनस 184 से कितने हो जाएंगे 720 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 240, और ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस कितना 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 360 एन माइनस 720 इक्वल्स टू, एन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, ये आएगा 235 प्लस 5n। अब यहाँ पर हम इसे करेंगे, ये 360n माइनस 720 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 235n और प्लस 5n स्क्वायर। अब हम करेंगे इसको, यहाँ पर हम सारी वाली ये जो वैल्यू हमारी इधर लेके आ जाते हैं, या फिर इनको इधर लेके आ जाते हैं, तो अगर हम ये वाली वैल्यू इधर लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं ये वाली वैल्यू इधर, क्योंकि n हमारे पास, n स्क्वायर हमारे पास इधर प्लस में है, तो ये वाली वैल्यू इधर लेके आ रहे हैं, वैसे आप इनको इधर भी लेके आ सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास है 235n और माइनस का कितना हो जाएगा 360n और प्लस का 720, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम अगर इसे माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पर कितनी वैल्यू मिलेगी, तो ये 0, ये 5n स्क्वायर, इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 10 में से 5 में से 1 2, और ये 1, ये हो गया 125n, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 360 ग्रेटर है यहाँ पर, और ये आ जाएगा प्लस का कितना, ये प्लस का आ जाएगा हमारे पास 720। अब दोनों में, इन सभी में से 5 कॉमन ले सकते हो आप, 5 कॉमन लेंगे तो एन स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 25 बचेगा, क्योंकि 5 कितने टाइम में डिवाइड कर रहा है इसको 25 टाइम में, फिर 5 इसको कितने टाइम में डिवाइड करेगा, 5 वन जा 5 टू कैरी, 5 फोर जा 20 और 5 फोर जा 20। अब ये 5 जीरो जाएगा डिवाइड में, तो ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 25n और प्लस 144। अब फैक्टर करने हैं आपको किसके, 144 के फैक्टर करने हैं, कि प्लस करने पर क्या आए 25 आए। 144 के तो देखो नॉर्मल फैक्टर 12 इंटू 12 होते हैं,
लेकिन 12 इंटू 12 25 नहीं आ रहा। इसके अगेन फैक्टर करें हम 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, अब देखो 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, तो ये आ रहे हैं इसके फैक्टर 16 और 16 प्लस 9, तो ये इसके फैक्टर आ गए हमारे पास 60 प्लस 9 इंटू एन, और यहाँ पर कितना जाएगा प्लस 144। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है हमारा। अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देख लें आपको, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसको देखें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस 16 एन और माइनस 9 एन प्लस 144 हो जाएगा। ये दोनों में से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 हो जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n माइनस 16 और n माइनस 9 हो जाएगा इक्वल्स टू, अब ये n माइनस 16 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और n माइनस 9 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो n की वैल्यू दो आ रही है हमारे पास, 16 साइड का पॉलीगन भी हो सकता है और 9 साइड का पॉलीगन भी हो सकता है, दोनों का ही सम कितना आएगा, दोनों का ही मीन्स दोनों का ही सम हमारे पास, यहाँ पर n की वैल्यू 16 है तो दोनों का ही इनका जो सम करोगे टोटल वही वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास 16 क्या हो सकता है पॉलीगन का, जो पॉलीगन से हमारे पास वो 16 का भी हो सकता है, 16 साइड का भी और 9 साइड का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ये गिवन में है कि इफ़ गिवन है आपके पास, क्या है गिवन कि 1/a माइनस 1/b एंड 1/c आर इन ए पी। अगर ये हमारे क्या है ए पी में है तो आपको टू शो करना है, टू शो ए बी सी सी ए एंड ए बी एंड ए बी आर इन ए पी में, कि ये भी हमारे पास ए पी में हो, आर इन ए पी। तो देखो अगर ये ए पी में है तो इसके लिए हमें क्या शो करना होगा, या तो आप इसी से देखो, इसे हम दो टाइप से कर सकते हैं। तो पहला प्रूफ इसका ये है कि आप क्या कर लो, हमारे पास ये गिवन है 1/a 1/b 1/c आर इन ए पी। अब यहाँ पर हम ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय ए बी सी। अगर ए बी सी से मल्टीप्लाई कर ले तो ए बी सी अपॉन सी हो जाएगा, ए बी सी अपॉन बी हो जाएगा, ए बी सी अपॉन सी हो जाएगा। अगर सी से सी कैंसिल करें, बी से बी कैंसिल करें, सी से यहाँ सी कैंसिल, ओ सॉरी ए ए है ये ए, तो ए से ए कैंसिल होगा, सी कैंसिल नहीं होगा, तो हो जाएगा ये बी सी, ये ए सी और ए बी, ये भी आ जाएंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा आर इन ए बी। ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो आप इसे, या फिर इसको देखो प्रूफ करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, कि अगर हमारे पास ये कह रहा है कि ये शो करना है आपको, टू शो शो करना है आपको बी सी सी ए एंड ए बी आर इन ए पी। ये कब होगा ए पी में, अगर इनका डी सेम आएगा, तो डी मीन्स इनके डी की वैल्यू सेम आएगी, मीन्स सी माइनस ए, ये इम्प्लाई करेगा कि सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए बी माइनस सी इक्वल आना चाहिए किसके, ए ए बी माइनस सी ए के। तो अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो आप शो कर दोगे कि ये क्या है ए पी में है, तो ये ए पी की टर्म्स हैं। तो इसके लिए हम गिवन टर्म्स का यूज़ करेंगे, तो गिवन वैल्यू हमें दी है कि 1/a 1/b एंड 1/c आर इन ए पी। अगर ये ए पी में है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें डी निकालेंगे, इसका इसका डी इक्वल होगा, इसका 1/b माइनस 1/a इक्वल होगा किसके, 1/c माइनस 1/b के, इन दोनों से एलसीएम लेंगे, ए और बी एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर ए माइनस बी, इन दोनों से एलसीएम लेंगे तो सी और बी एलसीएम आएगा, तो ये बी माइनस सी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर सी से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी की मल्टीप्लाई सी से, और यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई करेंगे बी माइनस सी को, तो यहाँ पर ये ए सी माइनस बी सी हो जाएगा और ये ए बी माइनस ए सी हो जाएगा। तो देखो ये हमने प्रूफ कर दिया है, तो ये अगर हमारा प्रूफ हो गया तो ये इम्प्लाई करेगा कि हमारा बी सी, तो हमारा बी सी सी ए एंड ए बी आर इन ए पी, तो ये भी करके दिखा सकते हो आप, तो ये भी आपका ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर।
अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं। चलो उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम एक बार, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें कह रहा है कि देखो, इंसर्ट फोर अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 14 एंड माइनस वन। तो आपको 14 और माइनस वन के बिटवीन कितने अर्थमेटिक मीन बताने हैं? आपको फोर अर्थमेटिक मीन बताने हैं। अर्थमेटिक मीन का मीन्स यहाँ पर किससे हैं कि एपी के टर्म्स बताने हैं, जो यहाँ पर ये एपी बनाए हैं। तो यहाँ पर आपको देखो, जैसे अगर इसको हम ए वन मान रहे हैं, तो ये ए टू होगा, ये ए थ्री होगा, ये ए फोर होगा, और ये ए फाइव होगा, और ये वाली टर्म होगी हमारी ए सिक्स। तो आपको हमारे पास ए गिवन है 14 और ए सिक्स गिवन है हमारे पास कितना, माइनस वन। ए सिक्स का फॉर्मूला होता है ए प्लस फाइव डी, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस वन। तो इस मेथड से आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हो, ए की वैल्यू 14 और ये 5d इक्वल्स टू माइनस वन। ये 5d 14 इधर आकर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 14 हो जाएगा हमारे पास, इधर आकर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन और माइनस 14। तो 5d इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास माइनस 15, और d की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस 15 डिवाइड बाय 5 मीन्स 3, ये हो जाएगी माइनस 3। तो डी की वैल्यू 3 हो गई। तो ए टू क्या होगा हमारे पास, ए टू क्या होता है, ए प्लस 1d। तो ए टू हो जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू 14 और डी की वैल्यू कितनी, माइनस 3। तो 14 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा हमारे पास। फिर ए थ्री कितना हो जाएगा हमारे पास, ए थ्री हो जाएगा ए प्लस 2d, ए प्लस 2d हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 14, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फिर ए फोर है हमारे पास, ए फोर कितना है, ए प्लस कितना डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d हो जाएगा ये। तो ए प्लस 3d का मीन्स ए की वैल्यू 14 प्लस 3 इंटू माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा, 14 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा, 14 माइनस 9 5 हो जाएगा। और फिर ए 5 कितना हो जाएगा, ए प्लस 4d, ए प्लस 4d करोगे तो ये 14 और ये प्लस 4 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 14 माइनस 12, ये हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स आ गए हैं हमारे पास, ये फोर अर्थमेटिक मीन्स। तो इस टाइप से आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम। देखो इसमें कह रहा है कि इंसर्ट फाइव अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन -12 and -8 के बीच में आपको फाइव अर्थमेटिक मीन पुट करने हैं। तो फाइव अर्थमेटिक मीन पुट करने हैं, तो फाइव प्लेसेस ले लोगे। ये हो गया हमारा ए वन, मतलब फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव और ए सिक्स, और ये हो जाएगा ए सेवन। तो ए वन की वैल्यू आप कह सकते हो कि माइनस 12 है, और ए सेवन हमें दिया है कितना, ए सेवन दिया है 8। ए सेवन को लिख सकते हो आप ए प्लस 6d इक्वल्स टू 8। ए की वैल्यू कितनी, माइनस 12 प्लस 6 इंटू डी इक्वल्स टू 8। तो 6d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 प्लस 12। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी 20, और डी की वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइड बाय 6 मीन्स 10 डिवाइड बाय 3। टू से कैंसिल करेंगे 10 टाइम में, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स में, तो 10/3। तो ये हो गए हमारे पास। तो हमारे पास सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, मतलब पहला अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ए टू की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस 1d। तो ए प्लस 1d करेंगे तो ए की वैल्यू माइनस 12, प्लस डी करेंगे तो डी 10/13, एलसीएम लेंगे तो 3, एलसीएम लेंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 36, और माइनस 36/10 कितना हो जाए, 36 माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना, 26, तो माइनस का 26/3, ये फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी। फिर ऐसे ही A3 फाइंड कर लेंगे, A3 फाइंड करेंगे, क्योंकि A3 वाली वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। तो A की वैल्यू माइनस 12 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी लेंगे, 10/3 लेंगे, इक्वल्स टू इसको करेंगे हम, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस 12, 3 के साथ एलसीएम लेंगे तो 36 हो जाएगा, और ये 2 10 20 और डिवाइड बाय 3, और ये कितना हो जाएगा, -16/3 हो जाएगा। A4 कर लेंगे हम, A4 कितना हो जाएगा हमारे पास, A प्लस 3d, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, -12 प्लस 3d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/3। फिर इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ये माइनस का 36 हो जाएगा, और ये प्लस का 30 और डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 6/3, या फिर हम कह सकते हैं इसको
माइनस सिक्स अपॉन थ्री कह सकते हो, या फिर इसको कैंसिल करके आप कह सकते हो माइनस टू भी कह सकते हो आप इसको। ओके, अब यहाँ पर अगर हम ए फाइव फाइंड करना है आपको, तो ए फाइव फाइंड करेंगे तो ए प्लस कितना डी हो जाएगा, ये ए प्लस फोर डी हो जाएगा। तो ए की वैल्यू माइनस ट्वेल्व प्लस फोर, डी की वैल्यू फिर टेन अपॉन थ्री, तो ये तो फोर्टी हो जाएगा। और ये एलसीएम लेंगे तो हम ये कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स, और ये फोर्टी, तो ये हो जाएगा कितना फोर अपॉन थ्री, तो ये फोर अपॉन थ्री हो जाएगा प्लस में। और फिर हम करेंगे यहाँ पर ए सिक्स फाइंड, ए सिक्स कितना हो जाएगा ए प्लस फाइव डी, ए की वैल्यू कितनी माइनस ट्वेल्व प्लस फाइव, डी की वैल्यू टेन डिवाइड बाय थ्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये थ्री, और ये हो जाएगा माइनस थर्टी सिक्स, और ये हो जाएगा प्लस फिफ्टी। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे इसे तो कितना हो जाएगा ये फोर्टीन डिवाइड बाय थ्री। तो ये हो गए हमारे पास फाइव अर्थमेटिक मीन हो गए हमारे पास। इस टाइप से ही अर्थमेटिक मीन वाले क्वेश्चन करने हैं आपको। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका ही हम। देखो इसमें भी यहाँ कह रहा है कि इंसर्ट सिक्स अर्थमेटिक मीन। तो सिक्स अर्थमेटिक मीन के लिए आपको क्या फाइंड करना है, देखो फिफ्टीन है ये, माइनस फिफ्टीन है। अब इसमें हमें सिक्स वैल्यू फाइंड करनी है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो इसको ए वन ले रहे हैं हम, तो इसको ये ए टू, ये ए थ्री, ये ए फोर, ये ए फाइव, और ये ए सिक्स, और ये ए सेवन, तो ये हो जाएगा ए एट आपका। ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है फिफ्टीन है, और ए एट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको माइनस फिफ्टीन, और ए एट कितना होता है ए प्लस सेवन डी इक्वल्स टू माइनस फिफ्टीन। तो ए की वैल्यू फिफ्टीन प्लस सेवन डी इक्वल्स टू माइनस फिफ्टीन, तो सेवन डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस फिफ्टीन, और ये प्लस का फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन, तो डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस थर्टी अपॉन सेवन। तो ये डी की वैल्यू हो गई। तो अगर हम इसमें हमें फर्स्ट अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो वो क्या है ए टू है। तो ए टू के लिए हम क्या करेंगे ए प्लस वन डी करेंगे। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास फिफ्टीन है, प्लस डी की वैल्यू क्या दी रखी है माइनस थर्टी अपॉन सेवन। एलसीएम लेंगे देखो हम यहाँ पर सेवन फिफ्टीन सेवन जो कितने होंगे हमारे पास, तो वन ज़ीरो फाइव, वन ज़ीरो फाइव हो जाएगा हमारे पास। वन ज़ीरो फाइव माइनस थर्टी करोगे आप कितना आएगा, वन ज़ीरो फाइव माइनस थर्टी करोगे तो आएगा सेवेंटी फाइव। तो सेवेंटी फाइव अपॉन सेवन हो जाएगा फर्दर फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। सेकेंड अर्थमेटिक मीन के लिए हम निकालेंगे ए थ्री को, ए थ्री कितना हो जाएगा ए प्लस टू डी, यहाँ कितना करेंगे फिफ्टीन प्लस टू इंटू माइनस थर्टीन अपॉन माइनस थर्टी अपॉन सेवन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये सेवन एलसीएम हो जाएगा, और ये कितना वन ज़ीरो फाइव, ये हो गया माइनस का सिक्सटी हो जाएगा, ये माइनस का सिक्सटी, और सिक्सटी माइनस करेंगे हंड्रेड, हंड्रेड फाइव में से आएगा फोर्टी फाइव, तो फोर्टी फाइव अपॉन सेवन ये इसका क्या हो गया सेकेंड अर्थमेटिक मीन हो गया। फोर्थ मतलब थर्ड अर्थमेटिक मीन के लिए हम क्या फाइंड करेंगे ए फोर फाइंड करेंगे। ए फोर क्या होगा ए प्लस थ्री डी होगा। तो ए की वैल्यू कितनी फिफ्टीन प्लस डी की वैल्यू थ्री इंटू थ्री थर्टी अपॉन सेवन करेंगे इसको, वन ज़ीरो फाइव माइनस थ्री थ्री थर्टी जा माइनस नाइन्टी अपॉन सेवन, और माइनस नाइन्टी करोगे तो ये कितना आएगा फिफ्टीन आएगा। तो ये फिफ्टीन अपॉन सेवन ये थर्ड अर्थमेटिक मीन हो गया। अब करते हैं इसका फोर्थ अर्थमेटिक मीन। तो इसके लिए ए फाइव फाइंड करेंगे। ए फाइव के लिए हम क्या करेंगे ए प्लस फोर डी करेंगे। तो ए की वैल्यू फिफ्टीन प्लस फोर, और डी की वैल्यू कितनी माइनस थर्टी अपॉन सेवन हो जाएगी इक्वल्स टू फिफ्टीन, फिफ्टीन सेवन जगह कितने हो जाएंगे वन ज़ीरो फाइव, और माइनस वन ट्वेंटी हो जाएगा, ये माइनस का वन ट्वेंटी हो जाएगा डिवाइड बाय सेवन। वन ट्वेंटी करोगे आप माइनस का फिफ्टीन आएगा, तो ये माइनस का फिफ्टीन अपॉन सेवन हो जाएगा। फिर फोर्थ के बाद फिफ्थ अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। तो ए सिक्स फाइंड करेंगे। ए सिक्स के लिए कितना हो जाएगा ए प्लस फाइव डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फिफ्टीन प्लस फाइव इंटू माइनस थर्टी अपॉन सेवन। तो करेंगे हम यहाँ पर ये वन ज़ीरो फाइव एलसीएम हो जाएगा सेवन का इसके साथ, और यहाँ पर फाइव की थर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन फिफ्टी हो जाएगा डिवाइड बाय सेवन, और ये हो जाएगा माइनस का फोर्टी फाइव डिवाइड बाय सेवन। फिर ए सेवन फाइंड करेंगे, मीन्स इसका सिक्स अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। तो ए सेवन है वो, ए सेवन के लिए ए प्लस क्या है हमारे पास सिक्स डी। तो ए प्लस सिक्स डी, तो ये फिफ्टीन प्लस सिक्स इंटू माइनस थर्टी अपॉन सेवन इक्वल्स टू सेवन को फिफ्टीन से करेंगे, वन ज़ीरो फाइव माइनस वन एट्टी डिवाइड बाय कितना सेवन इक्वल्स टू माइनस सेवेंटी फाइव डिवाइड बाय सेवन। तो ये हो जाएंगे हमारे पास सिक्स अर्थमेटिक मीन। तो ये अर्थमेटिक मीन वाले क्वेश्चन आप इस टाइप से करोगे तो ये यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।
10D। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।